दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको LIC AO के कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को लेकर। बहुत सारे लोग जो एग्जाम देकर आए, कुछ लोगों ने 4 मई को एग्जाम दिया, कुछ लोगों ने 5 मई को एग्जाम दिया। तो अभी एक मैंने एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट, जो गुड अटेम्प्ट लोगों ने किए हैं और क्या नियर अबाउट कट ऑफ हो सकती थी, तो उस वीडियो के ऊपर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि 5 मई का जो एग्जाम है वो काफी टफ था और इस वजह से क्या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐसी कोई चीज होगी। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन फैक्टर नोटिफिकेशन में मेंशन है और वो आपका बेस मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो 5 मई का एग्जाम हुआ है, इसमें जो टफ शिफ्ट है वो 3 नंबर की शिफ्ट लोगों का कहना है बहुत ज्यादा टफ है, 4 नंबर भी बताया टफ है, तो मतलब 2, 3, 4। तो हम पूरा अगर कंसिडरेशन करेंगे 5 मई को जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन लोगों को देखने को मिला 4 मई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का क्या फार्मूला है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, वो चीजों के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आप ये मान के चले नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा ये LIC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन भी है। ओके, तो मैं पहले बता दूं कि लोगों का जो कमेंट था, आपसे महस का कमेंट था कि 5 मई को 3rd and 4th शिफ्ट टफ देन रेस्ट ऑफ ऑल द शिफ्ट, मतलब इनका कहना है कि 5 मई को टफ एग्जाम था। इसके बाद एक और है ड्यू, इनका कहना है कि 2 days 3rd shift was very tough। ठीक है, मतलब 18 प्लस जो क्वांट में स्कोर करना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं उनके लिए हो पा रहा था। तो यार बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आपने देखो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं यहां पर बोलने वाला हूं। पहली चीज ये कि जब पेपर आपका टफ आया, ओके, और पहले से डिसाइड है कि 18 नंबर की कट ऑफ लानी है आपको, ओके, तो इस जगह पर अगर जिसने पेशेंस रखा होगा, अगर किसी ने 16 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली बनाए होंगे, ओके, उसने 16 ही अटेम्प्ट किए और 16 उसके ठीक निकले और पेपर का लेवल बहुत टफ है, ओके, उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर ये मान के चलो कि वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर में, उसके मार्क्स उस 18 से काफी ज्यादा होंगे, ओके। लेकिन अगर आपने देखा कि आप 16 बना पाए और बाकी जो 19 क्वेश्चन आपके बचे हुए आपने सारे गैस मार दिए, ठीक है, अब यार इसमें अगर आपके क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन गलत हो गए, 17-18 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, या आपके मान के चलो कि क्वेश्चन सारे गलत हो गए जो आपने तुक्के मारे, ओके, तो इससे आपको फायदा कम मिलेगा। जो प्योर एक्यूरेसी के बेस पर करके आया होगा उसको ऑब्वियसली यहां पर फायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये मान के चलो कि 19 क्वेश्चन में आपने तुक्के लगाए, 16 आपके बिल्कुल ठीक है, तो अगर आपके यहां पर +2 +3 भी मिल गए तो आप मतलब इसकी कट ऑफ जो 18 है वो क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर कोई एक एक्स पर्सन है जो केवल 16 मार्क्स का ही करके आया है और पेपर जो है टफ है, उससे ज्यादा उसका नहीं हो पाया 20 मिनट में, ओके, तो यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी कि इसके मार्क्स नॉर्मलाइज फिगर में +18 जरूर आएंगे, ओके, ये चीज एक यहां पर है। बाकी देखो और लोगों का क्या था, ये था प्रशंजीत शाह का कि 5 मई 4th shift सबसे खराब था, हार्डली अटेम्प्टेड 40 to 45 out of 70, ठीक है, पार्शियलिटी एंड बैड लक, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होगी आपके साथ, नॉर्मलाइज फैक्टर का जो है फॉर्मूला यहां पर कहा गया है। और ये सौरभ का था क्योंकि आप लोगों के बहुत कॉमन डाउट है, लगभग 225 लोगों ने कमेंट किए अभी तक, ओके, बाकी कंटिन्यू है अभी। इसमें कहा कि आई डोंट थिंक कि कट ऑफ जो है 59 होगी ओपन के लिए, ओके, इनका कहना है कि 50 से 53 होगी। मैं आपको बता दूं, देखो नॉर्मलाइज होने के बाद जब आपका स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो बेस मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है, तो इनका सेकेंड डे 3rd shift में था और ये हार्ड एग्जाम था, ठीक है, केवल ये 20 करेक्शन, इन्होंने 20 करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं और इनमें प्रॉफिट लॉस केसलेट DI थी, केसलेट DI को बनाने में लोगों को थोड़ा टाइम लगा, ओके, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइज फिगर देखने को मिलेगा। लास्ट है ये शशांक का, इनका कहा कि सर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4th shift ऑफ द 5th मई, जो 5 मई को 4th shift है, ये कंपेरेटिवली हार्डर है अदर शिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो एनी चांस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या इनका फंडा है नॉर्मलाइजेशन का। देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है, अगर किसी को ये वाला पॉइंट ढूंढना है तो वो PDF को ओपन करे और PDF के सर्च में नॉर्मलाइज लिखेगा तो उसको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ओके। अब यहां पर क्या कहा गया है, द स्कोर ऑप्टेन बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस, ठीक है, अगर होता है एग्जाम तब विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड। इनका कहना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, जैसे डे वन हुआ, ठीक है, डे वन में 4 shift, डे टू में 4 shift, ठीक है, तो यहां पर 8 shift में एग्जाम हो रहा है, तो अब ये
किस तरीके से देखते हैं। जैसे देखो इनका देखने का मेथड ये होता है, मैं आपको भी सैंपल लेकर बताऊंगा, लेकिन ये इक्यू परसेंटाइल जो है इक्वेटिंग मेथड के थ्रू सॉर्ट करेंगे। इसमें लिखा है द स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन आर ऑब्टेन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, पहले नंबर में इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट। इन्होंने करेक्टली का मेंशन क्यों किया है, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the score। ठीक है, मतलब जो आप करेक्ट क्वेश्चन करके आ रहे हो वो आपका जो फॉर्मूले में पुट करा जाएगा, ठीक है, उससे ही ये लोग जो है अराइविंग निकालेंगे आपका स्कोर। फिर क्या कहा गया सेकेंड पॉइंट में, द स्कोर सो ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट आर मेड इक्विवेलेंट टू टेक केयर ऑफ द माइनर डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, दूसरा इनका पैरामीटर होगा डिफिकल्टी लेवल। जैसे कोई एक्स स्टूडेंट है, इसने एग्जाम में अपियर किया और जो इसने करेक्ट क्वेश्चन किए वो आपके मेजर किए जाएंगे। दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हम जो है माइनर डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पर। ठीक है, मतलब आप ये देखो कि डिफिकल्टी लेवल में, जैसे यहां पर अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तीन शिफ्ट की बात है, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री, केवल सैंपल ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप ये मान के चलो कि इसमें 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 100-100 लोगों ने तीनों में एग्जाम दिया। ठीक है, अब यहां पर जो मार्क्स आ रहे हैं, ओके, अब जो मार्क्स आ रहे हैं यहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स है वो मेजर किया जाएगा कि कितने ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है। यहां पर देखा जाएगा हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, यहां पर देखा जाएगा हाईएस्ट मार्क्स कितने, उसी के हिसाब से, ठीक है, फिर मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो यहां पर क्या कहना है, इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब देखो हाईएस्ट मार्क्स से ये भी इनको पता चल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है। देखो जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा उसमें ऑलरेडी स्कोर उतना नहीं होगा जो अदर शिफ्ट में हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इसमें लिखा है इफ एनी इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट हेल्ड इन डिफरेंट सेशंस टू अराइव एट द इक्वेटेड स्कोर्स। और जो स्टार बनाया है, इस स्टार की इंटरप्रिटेशन ये दी है, स्कोर ऑब्टेन बाय कैंडिडेट ऑन एनी टेस्ट आर इक्वेटेड, ठीक है, उसको इक्विवेलेंट रखा जाएगा इसके, बेस फ्रॉम बाय कंसिडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स। मतलब कि सारी शिफ्ट को कंपेयर करते हुए एक बेस स्कोर बनाया जाएगा और उससे हर एक शिफ्ट को जो है इक्वेट किया जाएगा। ये इनके फार्मूले का मेन होगा पॉइंट। और इसमें इन्होंने कहा है कि दो डेसिमल तक, ठीक है, टेस्ट वाइज स्कोर एंड स्कोर ऑन टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू टू डिजिट। ठीक है, मतलब ये दो डिजिट तक कम स्कोर निकालेंगे। जैसे अगर किसी का स्कोर आ रहा है 58.75, ठीक है, और किसी का स्कोर है 58.50, तो यहां पर अगर कट ऑफ इन्होंने ये मेंशन कर दी 58.75 है तो ये सारे स्टूडेंट ही सेलेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, मतलब दो प्लेसेस तक जो नॉर्मलाइज फिगर है, ऐसा नहीं डायरेक्टली ये 58 या फिर 59 या 60 इस फॉर्मेट में नहीं, ये करेंगे इस फॉर्मेट में भी। इन्होंने लिखा है ना कि हम दो डेसिमल प्लेसेस तक जो है इसको जो है अराइव स्कोर निकालेंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बात कही गई है, फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ओके, तो अभी बिल्कुल चिंता मत करो, वॉट एवर अगर आपने एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट किया, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं जो पेपर देकर आया हूँ ये अदर शिफ्ट के मुकाबले जो है मुझे टफ लगा, 20 मिनट में इतने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते थे जितने मैंने बनाए, तो आपको वहां पर फायदा मिलने वाला है। ओके, अब मैं आपसे लास्ट एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आपके पास गोल्डन टाइम है इसको बेकार मत जाने दो। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है इस मई के लास्ट तक में, ठीक है, या फिर जो है एक दो दिन उससे पहले भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस मई में रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और जो मेन्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका 28 जून को नियर अबाउट होगा। ओके, तो 28 जून तक जो भी आपके पास टाइम है आप डेली करंट अफेयर सेशंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो टेस्ट पेपर्स हैं आपके मेन्स के, जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस मॉक के मेंस के टेस्ट पेपर्स, आप इनको भी फॉलो करो, इनसे आपको काफी मदद मिलेगी। ओके, और दूसरी चीज जो है, अब जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई और भी एग्जाम्स हैं, तो अगर आप LIC के लिए दे रहे हो तब भी ठीक है, अगर आप LIC के साथ पैरेलल SBI की तैयारी करो तो बेल एंड गुड है, आप इसके लिए अभी इनफ टाइम है, आप अभी से कोशिश करो प्रॉपरली जो है जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे सीखने की जरूरत है आप उसको सीखो यूट्यूब लेसन्स के थ्रू, और प्रैक्टिस करो और फिर रिविजन करो। ठीक है, तो यही बेसिक मंत्र होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, पहला फ्री मॉक जरूर अटेम्प्ट करें जो इनका प्रैक्टिस मॉक का दिया गया है, आप SBI के लिए, SBI क्लर्क PO दोनों के लिए अवेलेबल है, आप जाएं
और पहले उस मॉक को अटेम्प्ट करें, आपको लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या मेरा लेवल है, ओके। और दूसरी चीज जो है, हमारी डेली क्लासेस आ रही हैं एसबीआई क्लर्क पीओ के लिए। अब हम इसको एलआईसी के बाद हमने होल्ड, एलआईसी के एग्जाम के लिए हमने होल्ड कर रखा था, लेकिन अब डेली यानी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इनको भी देखना शुरू कर दें। इसमें हम लोग डेली फ्लोर बेस, फ्लैट बेस पजल और केसलेट डीआई बार ग्राफ, ठीक है। अब जैसे आपने अप्रोक्सीमेशन देखा, नंबर सीरीज डीआई है, तो ये टॉपिक ही हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी मदद मिल जाए, ओके। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से ये सारे वीडियोस आते रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग एसबीआई क्लर्क या पीओ के 20-20 टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 प्री के, 10 मेंस के। अगर आप कोई भी टेस्ट लेते हैं, पहले आप ये जो फ्री टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसको अटेम्प्ट करना, आपको लेवल पता चल जाएगा। और अगर जो लोग प्राइसिंग के बारे में पूछें, तो मैं आपको बता दूं कि केवल अगर आप एक टेस्ट खरीदोगे तो 325 का पड़ेगा, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो मेंस प्री के लिए। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बो लोगे, ठीक है, पीओ क्लर्क का, तो ये 549 का है। और वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक साल का टेस्ट सीरीज ले लें अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आईबीपीएस भी है और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये 999 का पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको देखें। बाकी डेली क्लासेस हमारी आती रहेंगे। मैं बता दूं आपको, केसलेट डीआई के हम बहुत सारे नए सेट करने वाले हैं, जो इस यूट्यूब चैनल पर आपको केवल अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना है, केवल वीडियो को व्यू करना है और शेयर लाइक यार आप लोग अपना प्यार जरूर बनाकर रखें, ये मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं। तो अभी जो आपकी बेसिक चिंता थी वो मैंने यहां पर दूर कर दी, नॉर्मलाइजेशन होगा और अब थोड़े दिन तक जो है आप अगले एग्जाम के लिए फोकस करो, अभी इसको विराम अवस्था में रख लो, ओके। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो और जो जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है उनका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।